हेलो एंड वेलकम यू ऑल, आई एम रोहित फ्रॉम महाजन ट्रेडर्स। सो गाइस, आज हम बात करेंगे HSCL के बारे में। तो गाइस, बिल्कुल HSCL ने एक बड़ा सपोर्ट ले लिया है, और गाइस इस पर्टिकुलर सपोर्ट लेवल से ये जो जंप करेगा ना, तो काफ़ी तगड़े रिटर्न देने वाला है। तो HSCL यहाँ पर एक परफेक्ट स्टॉक है एज ए लॉन्ग टर्म के हिसाब से, एज ए बिगिनर खरीदारी करने के लिए। तो गाइस, मार्केट ऑलरेडी काफ़ी नीचे थी, गिर गया था, बट कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें जो बुलिशनेस दिखाई दे रही है वो काफ़ी तगड़ी है। और देखा जाएगा, इस बजट की तारीख भी अनाउंसमेंट हो गई है, बजट की डेट आ गई है, और अभी मार्केट आज अच्छा क्लोज, अच्छा स्टार्टिंग उसने किया था, अपसाइड की ओर गया था, बट सडनली डाउनसाइड की ओर मोमेंटम लास्ट में हमें देखने को मिला। 1 बजे के बाद मार्केट में थोड़ा फॉल आना स्टार्ट हो गया, बट गाइस कहीं ना कहीं HSCL में एक सपोर्ट आया है। सपोर्ट स्टॉक में, जैसे हमने कल वीडियो में बोला था कि इस पर्टिकुलर लेवल पे सपोर्ट लेगा, तो वहीं पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। और साथ ही गाइस, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, इसका टारगेट भी मोर इम्पॉर्टेंट है स्टॉक के लिए। तो गाइस वही आज हम डिस्कस करेंगे, एज अ लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या स्टॉक परफेक्ट है। तो बिल्कुल हाँ, वही देखेंगे कैसे। तो वही गाइस, वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल द महाजन ट्रेडर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसके चार्ट को देखेंगे, और FIs और DIs ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, तो चलते हैं FIs DIs के ऊपर। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात कर ले DIs की होल्डिंग यहाँ पर कितनी बड़ी है, तो गाइस वही अगर देखो तो DIs की होल्डिंग पहले कितनी थी, 0.24% December 2020 की बात कर रहा हूँ, और March 2021 और June 2021 में 0.02%, 0.01% थी, और September 2021 में 0% थी, और December 2021 में ए हाईएस्ट कितनी बढ़ गई है आप देख सकते हो, 0.36% तक के होल्डिंग इन्होंने अपनी बढ़ाई है FIs ने। वहीं गाइस अगर देख लें तो यहाँ पर जो होल्डिंग बढ़ी है FIs की, तो FIs की होल्डिंग भी यहाँ पर अच्छी खासी इम्प्रूवमेंट इसमें हुआ है। गाइस अगर देखा जाए तो December 2020 में यहाँ पर FIs ने अपनी होल्डिंग 0.72% तक कर दी, और March 2021 में ए होल्डिंग 0.64% थी, और वही अगर देखा जाए June 2021 में ए होल्डिंग 0.71% हो गई, और September 2021 में ए होल्डिंग 0.84% की हो गई। सो गाइस यहाँ पर अगर देखा जाए तो कॉमनली यहाँ पर होल्डिंग एक सिमिलर रेंज में फंसा हुआ था, बट अगर देखें तो 2021 के दिसंबर में ए होल्डिंग कितनी बढ़ गई, 1.21% तक ए होल्डिंग बढ़ गई है। तो बेसिकली गाइस यहाँ पर FIs और DIs दोनों ने ही अपनी होल्डिंग काफ़ी तगड़े तरीके से यहाँ पर बढ़ा रही है। और यहाँ पर अगर ओवरऑल अगर देखा जाए इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स की होल्डिंग 45.43% की यहाँ पर ऑलरेडी हो गई है, और FI अपनी होल्डिंग यहाँ पर 1.21% कर चुका है, और DIs 0.36%। वही अगर पब्लिक होल्डिंग देखी जाए तो 53% के आसपास यहाँ पर दिखाई दे रही है। सो गाइस यहाँ पर शेयर होल्डिंग तो हमने देख ली, बट आज HSCL में क्या हुआ वो भी हम देख लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर अगर देखा जाए तो HSCL का पूरा नाम है हिमाद्री स्पेशियालिटी केमिकल लिमिटेड। सो गाइस यहाँ पर अगर देखो तो HSCL का जो आज क्लोजिंग दी है, तो 57.25 रुपये पे स्टॉक ने दी है क्लोजिंग, 1.25 रुपीज़ तक स्टॉक नीचे की ओर गिर गया 2.14% के हिसाब से। तो गाइस यहाँ पर आज भले ही स्टॉक में गिरावट आई हो, और मैंने कल भी बोला था कि गाइस यहाँ पर एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और एक रेंज में फंसेगा, वही गाइस यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर मैं आपको लेवल्स बता देता हूं। तो इस पर्टिकुलर लेवल से हमें ब्रेकआउट मिला था यहां पर। तो यहां पर ब्रेकआउट का सिनेरियो कैसे बना, यहां पर स्टॉक के पास रेजिस्टेंस था, यहां पर था, यहां पर था, यहां पर सपोर्ट था, यहां पर सपोर्ट था। तो गाइस यहां पर हमारे पास एक लेवल थे, यहां पर हमारे पास प्रॉपर सपोर्ट था HSCL को लेकर, और इसने परफेक्ट तरीके से इस पर्टिकुलर लेवल पर ब्रेकआउट दिया यहां पर। तो ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक में एक रेंज में एक ऊपर गया, एक अच्छा मोमेंटम आया। हमने दिया था जो लेवल यहाँ पर 57.56 रुपये के आसपास का, वो भी इसने टच कर दिया, उसे भी ब्रेक कर दिया था, और ऑलमोस्ट गाइस यहाँ पर जब प्रॉफिट बुकिंग आई तो यहाँ पर स्टॉक फंस गया।
बट अगर देखे तो स्टॉक में मैंने बोला था कि एक कुछ इस तरीके के पैटर्न यहाँ पर बना सकता है और ये यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो गैस यहाँ पर ये प्रॉपर ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है और मैंने कल ही बोला था कि यहाँ पर प्रॉपर ब्रेकआउट हमें चाहिए और वही आप देख सकते हो। वही मैंने बोला कल, क्या बोला था गैस, कल की वीडियो में आप जाकर देख सकते हो कि ये जो कैंडल है इस वीक का वो इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए और आप देख सकते हो ये बिल्कुल इसकी वीक भले ही बड़ी हो बट जो इसका जो मेन बॉडी है कैंडल का ये ऊपर की ओर ही क्लोज हुआ है। तो इससे हम बिल्कुल यहाँ पर HSCL में बुलिश हो सकते हैं। नहीं तो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ पर क्लोज होने के लिए मैं क्यों बोल रहा था, क्योंकि यहाँ पर भी क्लोज हुई थी कैंडल बट ऊपर की ओर नहीं, और यहाँ पर भी कैंडल क्लोज हुई थी बट ऊपर की ओर नहीं। तो इसीलिए एक हमारा इम्पोर्टेंट लेवल है और यहाँ पर अगर ब्रेकआउट मिला तो बिल्कुल ही ऊपर जाएगा ही जाएगा। और गैस इस पूरे लेवल को अगर देखो तो एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट का गेम यहाँ पर चल रहा है। यहाँ पर सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, फिर सपोर्ट लेकर ऊपर गया था, फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर यहाँ पर आप देख सकते हो फाइनली ब्रेक कर दिया है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम आए ऊपर की ओर। और यहाँ पर टारगेट आप देखो तो गैस यहाँ पर टारगेट आप देख सकते हो 140 का टारगेट आप रखो। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी दिनों तक ये कंसोलिडेट कर रहा था तो 140 का टारगेट आप रख सकते हो बट एज अ लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप मेरे हिसाब से 200 का टारगेट आपका रहना ही चाहिए, क्योंकि 200 के लेवल से स्टॉक को एक बड़ा रिजेक्शन आया था, बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई थी तो ये नीचे आता, तो ये यहाँ पर साइडवेज चल के ऊपर की ओर जाने के लिए रेडी है। तो बिल्कुल आपका 200 का टारगेट इसमें रहना चाहिए। सो गाइस 5 दिन के टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो क्या यहाँ पर रिटर्न है, तो बिल्कुल माइनस में रिटर्न है गाइस। देखा जाए तो यहाँ पर स्टॉक ने लगभग 4.45 रुपये तक गिरावट देखने को मिल रही है 7.21% के हिसाब से। वही गाइस अगर देखा जाए तो एक महीने में स्टॉक 13.55 रुपये तक बढ़ गया है 31.01% के हिसाब से, अच्छे रिटर्न है स्टॉक के में। और 6 महीने में कितना बड़ा 5.20 रुपये तक का रिटर्न है 9.99% के हिसाब से। और गाइस वही अगर बात कर ले इसके मार्केट कैप की, 2,14,000 करोड़ का मार्केट कैप है जो इसे बनाता है मिड कैप स्टॉक। पी रेशियो 37.42 का है, डिविडेंड स्टॉक देता है 0.26% का। और यहाँ पर बात करें स्टॉक में आज क्या हुआ, तो ओपन हुआ था 59 रुपये के प्राइस पे, हाई लगाया था 61 रुपये का और लो लगाया था 56.70 रुपये का। वही गाइस अगर बात कर ले इसके 52 वीक्स के हाई और 52 वीक्स के लो को, तो इसका जो हाई है 65.40 रुपये का देखने को आपको मिल जाएगा और लो है 39.70 रुपये का। तो गाइस हाईज और लो हमने दोनों ही देख लिए। अब बात करते हैं प्योर लेवल्स की, तो 61 रुपये के आसपास का फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, सेकेंड रेजिस्टेंस लेवल 63.50 रुपये का और थर्ड रेजिस्टेंस लेवल 66.35 रुपये का है। और सपोर्ट लेवल्स में 55.65 रुपये का फर्स्ट सपोर्ट लेवल है, सेकंड सपोर्ट लेवल 52.80 रुपये का और थर्ड सपोर्ट लेवल 50.30 रुपये का दिखाई दे देगा। सो गाइस बात कर लूँ अगर इसके प्राइस परफॉर्मेंस की, तो अपसाइड की ओर भी है और डाउनसाइड की ओर। बट अगर देखा और करंट की अगर बात करूँ 1 वीक के, तो प्राइस परफॉर्मेंस की तो -3.46% है। और गाइस वही अगर प्लस में है 1 मंथ में 30.56% और 3 मंथ्स का 12.48% प्लस में है। ईयर का देखा जाए 1.5 का 26.80% प्लस में है, 1 ईयर का देखा जाए 26.24% प्लस में है और 3 ईयर्स का -50.15% यहाँ पर माइनस में दिखाई दे देगा। वही गाइस अगर बात कर ले यहाँ पर ट्रेड वैल्यूज की, तो यहाँ पर 1 करोड़ के आसपास का ट्रेड वैल्यू हमें देखने को मिल रहा है। और साथ ही अगर बात कर लूँ मैं एस्टरडे के ट्रेड वैल्यू की, तो एस्टरडे का ट्रेड वैल्यू है यहाँ पर 2 करोड़ के समथिंग और 47 लाख का है कॉम्बिनेंट डिलीवरी। और 1 वीक के एवरेज में 3 करोड़ का ट्रेड वैल्यू है और 62 लाख का है कॉम्बिनेंट डिलीवरी। और 1 मंथ के एवरेज में 2 करोड़ का ट्रेड वैल्यू और 49 लाख का है कॉम्बिनेंट डिलीवरी। सो गाइस यहाँ पर वॉल्यूम्स अभी भी स्टॉक में अच्छे दिखाई दे रहे हैं। कम्युनिटी सेंटीमेंट्स की बात कर ले, तो कम्युनिटी सेंटीमेंट्स के आंकड़े थोड़े यहाँ पर भले ही पॉजिटिव हो, 74% यहाँ पर लोग कह रहे हैं बाय करने के लिए, तो यहाँ पर पॉजिटिव आंकड़े हमें से कह सकते हैं। बट कहीं ना कहीं यहाँ पर 26% लोग यहाँ पर सेल के लिए कह रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर सेलिंग भी है, बाइंग भी है। और आपको क्या करना है, सपोर्ट तो स्टॉक ले चुका है,
बट जो नेक्स्ट वीक, जो आने वाला जो वीक है, रहने वाला है, मंडे के दिन अगर पॉजिटिव कैंडल खुलती है ना, तो बिल्कुल स्टॉक में तेजी का माहौल रहेगा ही रहेगा। रेवेन्यूज अच्छे हैं स्टॉक के। 2021 का रेवेन्यू यहाँ पर 1680 करोड़ है। नेट प्रॉफिट भले ही डाउन आया है 2019 के बाद, बट कोई बात नहीं है, प्रॉफिट में चले जाएगा। तो गाइस ऑल यहाँ पर HSCL में प्रॉपर सपोर्ट ले लिया है, तो बिल्कुल आप इसे खरीद सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।